हेलो फ्रेंड्स, मामूनी किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड मैं हूँ मामूनी और आज मैं बनाऊंगी एक मैगी मसाला। तो फ्रेंड आज मैं एकदम एक नए तरीके से एक मैगी मसाला बनाऊंगी। मैगी तो सबको अच्छी लगती है, तो फ्रेंड इस तरह अपने घर में एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ये मैगी की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलो फ्रेंड देखते हैं एक मैगी मसाला कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड एक मैगी बनाने के लिए मैंने लिया है 3 पैकेट मैगी और 1 पैकेट मैगी मसाला। इसमें मैंने लिया है 1/2 कप गाजर बारीक कटी हुई, 1/2 कैप्सिकम बारीक कटी हुई, 1 मीडियम साइज का लाल टमाटर बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटी हुई, थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक कटी हुई। इसमें मैंने लिया है 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर। इसमें इस मैगी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और मैंने लिया है 2 एग। पानी मैंने लिया है 4 कप। ऑयल मैं लूंगी 2 टेबल स्पून। नमक लेना है स्वाद के अनुसार। तो चलिए फ्रेंड एक मैगी बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड अब मैं गैस को ऑन कर दूंगी और गैस को ऑन करके पैन को थोड़ा सा गर्म करना है। तो फ्रेंड पैन अभी गर्म हो गई है, अब मैं इसमें तेल दूंगी 2 टेबल स्पून। तो फ्रेंड तेल भी गर्म हो गई है, अब मैं इसमें 1 कटी हुई प्याज को दूंगी, गाजर इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज्यादा नहीं 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। और इसमें 1 पिंच नमक दूंगी और गैस को लो से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। तो फ्रेंड 1 मिनट हो गई है, ये थोड़ा सा फ्राई हो गई है, अब मैं इसमें टमाटर को दूंगी और बारीक कटी हुई कैप्सिकम को भी मैं दूंगी और मैं दूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च को। और ये जो मैंने मसाला लिया था ये कश्मीरी लाल मिर्च और ब्लैक पेपर, उसे भी मैं दे दूंगी। अब मैं दूंगी नमक स्वाद के अनुसार, तो इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये अभी अच्छे से मिक्स हो गई है, अब मैं इसमें पानी दूंगी। तो इसमें मैं दूंगी 4 कप पानी, इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। पानी देने के बाद अब मैं सारी मैगी को इसमें दे दूंगी और मैगी मसाला को भी मैं दे दूंगी। तो इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब मैं इसे ढक दूंगी 5 मिनट के लिए। तो फ्रेंड मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो फ्रेंड 20 में इसे एक बार चेक करेंगे और इसे एक बार पलट देना है। तो इसे फिर से मैं ढक दूंगी 2 मिनट के लिए। तो फ्रेंड 2 मिनट अभी हो गई है, अब मैं ढक्कन हटाऊंगी और इसे एक बार चला देंगे अच्छे से। तो फ्रेंड अब मैं दूंगी ये अंडा, इसे मैं थोड़ा सा नमक देके इसे फेंट लिया, इसे देंगे ऊपर से। और दूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ता, तो इसे मिक्स करेंगे और गैस को एकदम लो पे कर देंगे। तो अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और ऊपर से थोड़ा सा मैगी मसाला और मैं दूंगी, तो इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी फ्लेवर निकल रही है फ्रेंड, आप इसे एक बार जरूर बनाकर खाइए घर पे, ये बहुत ही अच्छी लगती है ऐसे बनाने से। तो फ्रेंड मेरी एक मैगी अभी बनकर रेडी हो गई है, इसे मैं प्लेट में निकल लूंगी सर्विंग प्लेट में। देखिए फ्रेंड मेरी एक मैगी बनकर एकदम रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, ये बहुत ही यम्मी लगती है। तो फ्रेंड इसे एक बार अपने घर में इसी तरह जरूर बनाकर खाइए। मैं आशा करती हूँ ये एक मैगी की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। और फ्रेंड आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।